हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो शाम का टाइम है, मैं आ चुकी हूँ दिया के रूम में। अलमारी में कपड़े मुझे तय करके लगाने हैं जो कि थैले में भर के रखे हुए थे इतने दिन से मम्मी के घर पे। मम्मी के घर से आज मैं लेकर आ गई हूँ, और ये सारे कपड़े जो है ना नेहा लेकर आई थी दिया के लिए, सोना के छोटे हो गए थे। तो सर्दियों के ही कपड़े हैं, थैले में रखे रखे पता ही नहीं चलता था कि कब पहनने हैं, कैसे पहनने हैं। अभी सामने लगे रहेंगे ना, तो मैं नहाने के लिए कपड़े निकाला करूँगी तो वो पहना दिया करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी जो कपड़े हैं वो दिया को इसी साल आएंगे, क्योंकि दिया की और सोना की जो हाइट है ना वो सेम सेम सी है कुछ ना कुछ। तो दिया के बिना आजकल बहुत जल्दी कपड़े छोटे हो जाते हैं। और मैं पहना देती हूँ, सोना के कपड़े ना साफ़ सुथरे होते हैं और सही कंडीशन में होते हैं, तो मैं पहना देती हूँ। और दिया के कपड़े जो है आजकल वासु पहन लेता है, तो इस टाइम पर दिया के स्वेटर काफ़ी सारे छोटे हो गए हैं, वो भी हाथ के बुने हुए। कुछ मेरी मम्मी ने बनाए हैं, कुछ नेहा ने बना रखे हैं, कुछ नेहा की मदर इन लॉ ने बना रखे हैं, तो वो सब जो है वासु के पास जाएंगे। बाकी कपड़े तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, दिया लड़की है तो उसको दे नहीं सकते, लेकिन स्वेटर मैं उसको दे दूंगी। और आजकल हाथ के बुने हुए स्वेटर की कितनी वैल्यू, ये आपको ही पता है। नसीब वाले हैं वो बच्चे जो अपनों के हाथ के, अपने बड़ों के हाथ के बुने हुए स्वेटर पहन पा रहे हैं। तो उनमें से लकी हमारे बच्चे भी हैं जिनके लिए मेरी मम्मी स्वेटर बनाती हैं, और नेहा की मदर इन लॉ और नेहा भी बनाती है। नेहा को मतलब आता है, सिलाई का ना काम भी आता है और बुनाई भी कर लेती है वो। बस उसको नीचे का बॉर्डर बनाना नहीं आता, बाकी पूरा वो सब कुछ कर लेती है। पूरा जैसे लंबा पूरा तैयार करना होता है स्वेटर, चाहे बड़ों का बनाना हो चाहे छोटों का, वो बना लेती है। इसके बाद जो है हम अपना शाम का कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे। पिज़्ज़ा मंगाया है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको रोल मिल जाता है और बर्गर मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें ना आजकल दिया की मौसी भेज देती है, वो भी हमको बिना बताए। तो मैं अलमीरा लगा ही रही थी, गेट पे खड़ 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 की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा जाके तो मेरा ऑर्डर आया हुआ था, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। अच्छा लगता है कभी कभी तो, लेकिन कभी कभी बुरा भी लगता है। डांट पड़ती है बहुत ज़्यादा दिया की मौसी की, क्यों भेज दिया, किस लिए भेज दिया। और ये पिज़्ज़ा देखो स्पेशली दिया के लिए भेजा गया, मेरे लिए नहीं भेजा, क्योंकि दिया को ही पसंद है ये सोया पिज़्ज़ा ना, मुझे नहीं पसंद। और ये रोल मेरे लिए है क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी था और दिया खाती नहीं है, और दिया के लिए इसमें फ्रेंच फ्राइज भी थे। तो दिया की तो आज मज़े आ गए हैं, पार्टी हो गई है उसकी, तो उसको तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये सब चीज़ें आएंगी। मम्मी ने भी नहीं मंगाई और मौसी ने भेज दी, देखो उसके दिल की बात जान ली। तो चलो हम इंजॉय कर लेते हैं पिज़्ज़ा। ट्यूबलाइट और सामने जो है एक एलईडी का बल्ब चल रहा है, तब इतनी रोशनी है। ये जो ट्यूबलाइट है ना ये पुरानी वाली है, चौक पट्टी वाली जो होती थी ना, एलईडी वाली नहीं है। पूरे घर में एलईडी लग रही है तो काफी ज्यादा आपको ब्राइटनेस दिखती होगी, बट यहाँ पे थोड़ा डल डल सा है। जब तक ये ट्यूबलाइट चल रही है चला रहे हैं, बाकी फिर चेंज करवाएंगे, जब ये खराब हो जाएगी तो एलईडी ही लगवाएंगे हम लोग। और दिया ने पिज्जा खत्म कर दिया है, साथ में मैंने भी खाया है, और रोल भी मैंने हाफ खाया है, हाफ से भी हाफ खाया है, आधा हाफ में से भी बच रहा है और आधा पूरा हाफ बच रहा है। फ्रेंच फ्राइज भी दिया ने नहीं खाए हैं, क्यों भाई? क्योंकि इससे खाए नहीं जा रहे थे। और अलमीरा का जितना भी जो भी काम था वो मैंने कर दिया है। दिया लाओ मेरी डायरी दे दो, मैं सारी वापस रख देती हूँ। मेरी डायरी ये देखो, मेरी पुरानी डायरी, मैं आपको कभी फुर्सत में दिखाऊंगी। इसमें मैंने रेसिपी नोट कर रखी है, 2010 की डायरी है। पापा को मिली थी ना, पापा को मिलती रहती थी तो मैं ले लेती थी उसमें से। और ये एक डायरी है, ये शादी के बाद मेरे देवर को मिली थी तो मैंने ले ली थी। सबको जो जो डायरी मिलती थी वो मैं ले लेती थी। और दिया के स्कूल की कॉपी वगैरह है, लाओ ये दो कॉमिक्स वगैरह, सुक्तियों की कहानियां, मैंने सब संभाल के रखी है सारी चीजें ना। दियो को खांसी बहुत हो रही है,
देखो खांसी बहुत हो रही है, ये मेरी डायरी तो सब मैंने संभाल के रख दी है, और कड़छी गिलास ये सब भी मैं लॉकर में ही रखती हूँ, और ये भी रख देती हूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं तो मुझे रखनी है, स्पेस काफ़ी है, मैं रख दूंगी। लोग लॉकर में रखते होंगे जेवर, पैसा, कीमती चीज़ें, बट मेरे लिए सारी चीज़ें कीमती हैं जो मेरी शादी से पहले की हैं। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इन चीज़ों के साथ ना मेरी, मैं अपने साथ ही लेकर आ गई थी जब शादी हुई थी ना, अपने साथ ही सारी चीज़ें लेकर आ गई थी मैं, मतलब कुछ दिन बाद। और अभी यहाँ पर हमने खाया पिया है तो काफ़ी ज़्यादा मैस मैस सा हो रखा है, इसको साफ कर लेते हैं, वरना चूहे है तो आपको पता ही है मेरे घर में बहुत उधम मचाते हैं। मम्मा के तो काम अंदर वाले रूम में खत्म हो चुके हैं, दिया ने जो है अपने काम स्टार्ट कर लिए हैं। और ये क्या है, किसकी टोपी है ये इसके पापा की कैप है, इसके पापा लगाते थे ये वाली। और दिया ने आज उल्टा पजामा पहना है खुद से, है ना भाई, मैंने सबको दिखा दिया तुम्हारा उल्टा पजामा। और दियो ने देखो सामने अपने जूते चप्पल भी सजा रखे हैं, ये दियो ही करती रहती है, ये सारा दिन यही काम करती है। क्या कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो, सही से क्या लगा रही हो, खोल खोल के बंद ही कर रही हो, उसमें लगा क्या रही हो तुम, मत करो, अरे रेस्ट कर लो, थक गए होंगे तुम। अरे 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 कर लो, अरे 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 थक गई होगी दीदी, रेस्ट कर लो, लेट जाओ, तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ मैं। अरे नहीं 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 और आज मैंने पार्सल मंगाया था, पार्सल मतलब मैंने कुछ सामान मंगाया था जो कि आ चुका है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ये दिखा देती हूँ मैं आपको, दियो बाद में देख लेना, पहले मुझे दिखाने दो सबको, ठीक है, हटो हटो। आप भी कहोगे मेघा क्या मंगाती रहती है, मेघा क्या करती रहती है। तो मेरा ना बहुत टाइम से मन कर रहा था बुक्स वगैरह खरीदने का, जो मैं बचपन में पढ़ती थी, मेरे पापा ला के देते थे मेरे को, और ये मुझे बाई चांस अमेजोन पे मिल गई हैं और मैंने मंगा डाली, मैंने खोल के देख ली सारी। दियो रुको रुको रुको, तो ये चंपक मंगाई है, कौन कौन पढ़ता था बचपन में मुझे बताइएगा, आपने कब पढ़ी बेटा, कौन कौन पढ़ता था बचपन में मुझे बताइएगा। तो ये 10 का सेट आया है, 10 10 बुक्स मिली है मुझको, लेकिन बहुत चेंज हो गई है, पहले थोड़ी मोटी आती थी, छोटी आती थी लेकिन मोटी आती थी, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो कहानियाँ भी कम हो गई हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें, शायद 8 कहानियाँ हैं, और ये मन बहलाओ वाली चीज़ें ये बहुत ज़्यादा हैं, एक मिनट फोकस नहीं कर रहा, चित्र कथाएं हैं 3, और बाकी बहुत चेंज हो गई है, ये देखो कितनी पतली सी है, लेकिन ये यार मेरे को मिल गई वो ही बहुत है। मेरे आसपास जो भी शॉप्स थी ना, अब वो काफ़ी काफ़ी दूर हो गई हैं, आसपास मिलती नहीं है, लोगों ने खरीदनी बंद कर दी ना, तो चलती नहीं है आजकल शॉप्स, और बस अड्डे वगैरह भी दूर है हमारे यहाँ। तो आप भी कहोगे कि मेरा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मंगाती हूँ, ये देखो कितनी सारी है, 10 हैं 10। तो फ्रेंड्स आज जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत सारी जगह पर, हमारे इधर भी है, रास्ते बरसातें लगी पड़ी हैं, सुबह तक थी, सुबह के बाद जो है बारिश तो रुक गई थी, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा बर्फीली चल रही है, पक्का कहीं ना कहीं बर्फ़ पड़ रही है आसपास में ना, बर्फ जरूर पड़ रही है, इतनी मतलब ठंडी शीतलहर चल रही है ना। मैंने तो जितने भी आज प्रोग्राम बनाए थे ना दिया के बर्थडे से रिलेटेड मार्केट के, वो सब मैंने कैंसिल कर दिए, मैंने कहा भैया नहीं जाना, बीमार पड़ जाऊंगी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी।
और दिया को भी लेके मैं नानी के घर नहीं गई हूँ, गेट पे भी नहीं खड़ी हुई आज तो मैं, बिल्कुल बंद करके बैठी हूँ। बाहर की झाड़ू लगाने तक मैं नहीं गई हूँ क्योंकि इतनी तेज हवाएं थी ना, तो कूड़ा उड़ उड़ के बाहर का भी अंदर ही आ रहा था, तो लगाने को कोई फायदा नहीं था। अंदर अंदर जितने मैं काम कर सकती थी मैंने कर डाला। जो दिया लग गई है वही मैगजीन पढ़ने में, पढ़ना नहीं आता लेकिन देखने में लगी पड़ी है। सुंदर सुंदर इतने सुंदर सुंदर चित्र होते हैं चंपक में ना। अब तो फिर भी रफ पेपर आ गया, पहले तो बहुत अच्छा चिकना सा पेपर आता था, बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी किताब की, सब कुछ मतलब लो हो गया, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट है। मैं पूरी किताब चाट डालूंगी, सारी की सारी ना एक दिन में चाट सकती हूँ मैं 10 किताबें सच्ची में। मैं इतना पढ़ने की शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ने की शौकीन हूँ। पहले भी मेरे को बहुत शौक था, ये तो चंपक है, नन्हे सम्राट, नंदन, चंदा मामा, लोट पोट सब आती थी मेरे घर में, और न्यूज़पेपर भी चार चार आते थे। जितने भी न्यूज़पेपर आते थे ना हमारे घर में, दैनिक जागरण, जनवाणी, आज तक, INX, सारे लेते थे मेरे पापा। सब में एक जैसी खबरें होती थी लेकिन मेरे पापा सब लेते थे क्योंकि उनको भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। ग्रह शोभा, ग्रह लक्ष्मी, सरिता, ये सब किताबें आती थी, पापा अपने लिए लेते थे, इंडिया टुडे वगैरह, और बहुत सारी किताबें, सत्यकथा वगैरह सब पढ़ते थे। बहुत अच्छा लगता था, मतलब शुरू से ही मतलब बहुत चीज़ें मैं पढ़ती आ रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आज मैंने ये किताबें ले ली और दिया को भी यही पढ़वाऊँगी, सोना को भी। सोना के लिए स्पेशली लिया मैंने क्योंकि दिया तो अभी छोटी है, लेकिन सोना के लिए स्पेशली ली है। और आज नेहा का लास्ट अल्ट्रासाउंड था प्रेगनेंसी का, वो गई थी मम्मी के साथ, सोना को भी लेकर जाना पड़ा, शैंकी भी लेकर गया था, शैंकी उनको लेकर गया था, ले जाने वाला वो ही है। तो काफ़ी घंटों लग गए वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड में, सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड था। होप सो रिपोर्ट्स जो है सब अच्छे से आए। बाकी प्रेगनेंसी में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन थे उसको, इस बार फर्स्ट में कुछ नहीं था, लेकिन इस बार उसको बहुत सारी चीज़ें हुई, फेस पे भी उसके काफ़ी दाग धब्बे हो गए हैं और परेशानी बहुत हुई क्योंकि छोटे बच्चा भी था साथ में, उसकी भी केयर करनी थी, अपनी भी नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब दिमाग में थी, प्रिपेयर नहीं थी वो ना प्रेगनेंसी के लिए, बात ये थी। बट सब कुछ अच्छे से हुआ, आप जो भी हो कभी भी आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि नेहा यहाँ पर आई है तो शायद डिलीवरी के लिए आई होगी, तो नहीं, वो चली जाएगी दिया के बर्थडे के नेक्स्ट डे ही चली जाएगी, उसकी डिलीवरी यहाँ पर नहीं होगी। मम्मी एक बार को सोच भी रही थी कि यहीं करवा लेते हैं, बट वो नेहा भी नहीं चाहती, जिया जी भी नहीं चाहते, और सब लोग चाहते हैं कि वहीं पर हो, तो वहीं पर होगी, लेकर उसको जल्दी आ जाएंगे, 11 दिन 21 दिन का जो जितने दिन का भी हवन बैठता है, डेट निकलती है, उसको लेकर जल्दी आ जाएंगे। बाकी डिलीवरी उसकी यहाँ पर नहीं होगी, हम उस दिन पहुँच सकते हैं, उसी दिन जैसे पहुँच जाएंगे जैसे ही फ़ोन आएगा, लेकिन वहीं होगी, जो भी होगा सब वहीं होगा। उसकी डॉक्टर नहीं बहुत अच्छी है, बहुत मतलब ख्याल रखती है, पहले वाली है सोना वाली। और इस वीडियो को जो है चलिए हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा, करिएगा ज़रूर। थोड़ा सा बोलते वक्त ना लड़खड़ा जाती है जबान, कल भी मैंने कुछ आईब्रो थ्रेडिंग दोनों चीज़ें एक साथ एक जैसी बोल दी थी, जिसके लिए मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट किया, तो मैं उनको कह दूँ कि देखो मुझे बुरा तो लगता नहीं आप कुछ कह रहे हो या मतलब आप मेरी गलती निकाल रहे हो जाता है कभी कभी ना मुँह से निकल जाती है चीज़ें, हम फ्लो में बोलते चले जाते हैं, हमको खुद नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हो जाता है कभी कभी, हम भी इंसान ही हैं। तो और मतलब मैं बनने की कोशिश नहीं करती, गलती से निकल जाता है कभी कभी। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखना।